पूरा जून तक लगा। जुलाई में आपको नितिका करके एक वैरायटी मिलेगी हाइब्रिड कतकी सेगमेंट, और मगरी सेगमेंट की आप गोभी लगाते हो तो उसमें हाइब्रिड आपको सरिता मिलेगी, जो आप अगस्त में लगा सकते हो उसको। मतलब ये जून तक आप उमा 60 लगाओ, जुलाई में आप नितिका और अगस्त में आप सरिता वैरायटी लगाओ, फिर सितंबर अक्टूबर नवंबर आप परिणति वैरायटी लगाओ। ये हाइब्रिड वैरायटियाँ हैं, आपको मार्केट में रिजनेबल रेट भी है सीड का, और आपको अच्छे रिजल्ट भी मिलेंगे। आप फूल इसका देख रहे हो, वजन इसका मतलब एवरेज किलो 1.5 किलो का होता है। पौधे छोटे होने के कारण कट छोटा होगा, जिस तरह से पौधे बड़े होंगे तो इसका कट भी बड़ा हो जाएगा। ये तो हो गई गोभी की वैरायटी। हमारे पास कुकम्बर की वैरायटी है, खीरे की 180 नंबर और लग की। उसकी खासियत यह है कि वो खीरा जो है ये तो चिट्टा नहीं होगा, कड़वा नहीं होगा, और ब्लाइट जो खीरे में पड़ती है गर्मी के कारण उसमें ब्लाइट नहीं पड़ता। मार्केट में आपको हर खीरे से 2 रुपये अधिक रेट मिलेगा। सिडलेट वैरायटी हमारे पास सिम्बा करके है, खीरे की जैसे 40 खीरा बोलते हैं वो खीरे की वैरायटी है, उसमें आप लगा सकते हो उसको 15 मार्च तक टोइंग कर सकते हो, क्योंकि गर्मी आ जाती है। भिंडी की वैरायटी हमारे पास रुकमणी करके है, बहुत ही बढ़िया वैरायटी, एलो मोजेक वायरस उसमें नहीं लगता, बिल्कुल डार्क ग्रीन और 70-80 तुड़ाइयाँ हो जाती हो, लंबे टाइम तक की वैरायटी है और बिल्कुल ग्रीन होगी, पीली नहीं पड़ती। ऐसे ही लाटू घिया है हमारे पास, गोल घिया है, बंद गोभी है, बंद गोभी की वैरायटी हमारे पास RK60 करके वैरायटी है, कैबेज की बहुत ही बढ़िया वैरायटी है, इम्पोर्टेड वैरायटी है, और बिल्कुल उसका बंद ये पौध लगाने के 65 से 68 दिन में तैयार हो जाएगा, बिल्कुल सख्त होता है उसका बंद। भिंडी की वैरायटी आपको रुकमणी बता दी, आपको रुकमणी लगा सकते हो। करेले में करेला यहाँ पे काफ़ी करेला लगता है, किस कंपनी का करेला लगाते हो, प्राची लगाते हो या राजा लगाते हो? राजा लगाते हो। राजा सेगमेंट की वैरायटी हमारे पास साईं सतारा करके, जो साईं सतारा करेला है राजा से रेट भी हमारा साईं सतारा का कम है। नंबर ऑफ सीड 50 ग्राम में हमारा साईं जो साईं सतारा का 190 दाने होंगे और राजा का 135 दाने होते हैं। तो आपको कम मतलब क्वांटिटी में, जैसे आप 250 ग्राम खरीदते हो या 500 ग्राम खरीदते हो, तो राजा की अपेक्षा इसकी ज़्यादा बिजाई, ज़्यादा खेत में इसकी बिजाई होती है। हाँ, बीज ज़्यादा होते हैं ना इसमें, और काफ़ी एरिया में इसको लगा सकते हो, और तुड़ाई उससे 1-2 तुड़ाई अधिक होगी, बिल्कुल चिकना करेला वैसे ही होता है राजा से। करेली में आप चाहो तो शौकीन करेली हमारे पास है, उसको आप लगा सकते हो। हलवा कद्दू जैसे आप लगाते हो चकई टाइप का 2-2.5 किलो का ना, तो हमारे पास एक जेमिनी 196 करके वैरायटी आती है, वो 2-2.5 किलो की होती है और एक पौधे में 7-8 सूख लगती है। मार्केट के हिसाब से आप इसको ट्रांसपोर्टेशन के लिए कहीं भी ले जाओ, कोई दिक्कत नहीं होती, बड़े आराम से इसको इधर उधर ट्रांसपोर्टेशन में, जैसे एक तो पतले छिलके वाली होती है ना उसके छिलके उतर जाते हैं, लेकिन इसके छिलके मोटे होते हैं, आपको ट्रांसपोर्टेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं है और अच्छे तरह से इसको ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। इसी तरह से हमारे पास भिंडी की हो गई, करेले की हो गई, खीरे की हो गई, हलवा कद्दू की हो गई, 56 कद्दू आपके एरिया में 56 कद्दू भी लगता है। हमारे पास लूइस वैरायटी है, जो लड़का पीछे लगवाया था, फील्डे हुआ था, आपको वैसे तो लूइस जो 56 कद्दू होता है हर कंपनी के पास, लेकिन उसको लगा के देखो कि वो कितना जल्दी, थोड़ा बीच बीच में रोक देना कट कर।